पाठशाला में आपका स्वागत है। विश्व के इतिहास के तहत आज हम इटली की क्रांति देखेंगे। यह 13वां भाग है और यह जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आप लोग यहां पर देख भी सकते हैं। यह हिस्ट्री के कुल 4000+ प्रश्न हैं और TGT PGT NBS TGT PGT हो या KBS TGT PGT हो, UP बिहार राजस्थान का TGT PGT हो, नेट की परीक्षाएँ हो, कोई भी परीक्षा हो, हर एक दूसरी परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण है। UPSC MPSC RPSC BPSC कोई भी परीक्षा हो, हर छोटी से बड़ी परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण है। यह भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास का समग्र अध्ययन है। 4000+ प्रश्न हैं। कोई भी परीक्षा हो, हर एक दूसरी परीक्षा की दृष्टि से हमारी यह सामग्री रामबाण है। आप लोग इस पूरी सामग्री को ले सकते हैं, पूरी PDF को ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में इसकी जानकारी आप लोग को दे दी जाएगी। और अगर यह सामग्री आप तैयार करते हैं तो आपकी जो आप कोई भी परीक्षा दीजिए जिस उन सभी में यह सामग्री बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि यह UPSC की कुल 3 प्रतिष्ठित पुस्तकों का सारगर्भित समग्र अवलोकन करके तैयार किया गया है। और TGT PGT या फिर नेट की परीक्षा के लिए तो एकदम यह रामबाण सामग्री है। तो वीडियो के लास्ट में इसकी जानकारी दी जाएगी। तब तक हम इटली की क्रांति के तहत कुछ प्रश्नों को देखते हैं और यह भाग 13 है विश्व के इतिहास के तहत। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फासिस्ट किसे कहा जाता है, प्रश्न है फासिस्ट किसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों से असंतोष और सैनिकों की छंटनी से पैदा हुए अराजक हालात को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलान से एक संगठन बनाया जिसे फासिस्ट कहते हैं। तो यही मुसोलिनी बनाया था, फासिस्ट का जन्मदाता भी मुसोलिनी था और यह जो दल बनाया था यह मुसोलिनी ने बनाया था। प्रश्न 247 देखिए, फांसीवाद दल के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे, तो काली कमीज पहना करते थे फांसीवाद दल के स्वयंसेवक। प्रश्न 248 देखिएगा, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो मुसोलिनी को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। प्रश्न 249 देखिएगा, किसे ड्यूस के नाम से जाना जाता था, मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से जाना जाता था। प्रश्न 250 देखिएगा, मुसोलिनी ने किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया, डियास। मुसोलिनी ने किसे सेना का अधिकारी नियुक्त किया था, तो डियास को मुसोलिनी ने सेना का अधिकारी नियुक्त किया। प्रश्न 251 देखिएगा, जापान और जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने किस धुरी का नेतृत्व किया है, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी 1936 में, रोम बर्लिन टोक्यो धुरी 1936। प्रश्न 252, मुसोलिनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के खिलाफ कब युद्ध का ऐलान किया, 10 जून 1939 को। प्रश्न 253 देखिएगा, नाजी का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ, तो यह हुआ था हिटलर के नेतृत्व में। तो आज हम इटली की क्रांति देख रहे थे, तो इटली की क्रांति के तहत कुल 7-8 प्रश्न ही थे जो इटली की क्रांति के तहत खत्म हो गए। अब अगली जो सामग्री होगी वह जर्मनी के तहत देखेंगे, जर्मनी की क्रांति। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ये जो भी प्रश्न है महत्वपूर्ण है, यह पूरा का पूरा PDF आप लोग ले सकते हैं या मैं इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यह PCS पाठशाला की तरफ से तैयार किया गया है, PGT हिस्ट्री का मटेरियल है, लेकिन यह सिर्फ PGT के लिए नहीं बल्कि TGT के लिए या फिर KBS NVS नेट की परीक्षाओं के लिए यह सामग्री रामबाण होगी। 4000+ प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है। NBS KBS DSSB UP बिहार सभी के लिए महत्वपूर्ण है, यह आप लोग देख सकते हैं। हर परीक्षा के दृष्टि से यह सामग्री रामबाण होगी आप सभी के लिए, चाहे NBS TGT PGT हो या KBS TGT PGT हो या फिर नेट की परीक्षा हो, चाहे यूपी बिहार का TGT PGT हो या राजस्थान मध्य प्रदेश का TGT PGT हो या फिर कोई भी परीक्षा हो, हर एक दूसरी परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण होगी जिसमें विश्व के इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास तथा विश्व के इतिहास का समावेश किया गया है। कुल 4000 प्रश्नों की रामबाण श्रृंखला है। UPSC या UPPSC MPSC RPSC BPSC हर एक दूसरी परीक्षा के लिए सामग्री रामबाण साबित होगी आप सभी के लिए। तो यह सामग्री आप लोग ले सकते हैं, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जहाँ पर यह सामग्री आप लोग को दे दी जाएगी। तो देखिए, नोट कर लीजिए, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 83 18 39 72 76। तो देखिए, 83 18 39 72 76 यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका जिक्र रहेगा। जो लोग इसे अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं, लिखावट नहीं पहचान पा रहे हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर आइएगा, यह सामग्री आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग की जानकारी के लिए बता दें, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वही हमारा फ़ोनपे भी है। आप लोग को पेमेंट करना होगा ओनली 400 का,
ओनली 400 आप लोग पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भेजेंगे यह मटेरियल आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो लोग फ़ोनपे से फ़ोनपे का यूज नहीं कर पाते हैं वह लोग अगर अकाउंट नंबर में पेमेंट करना चाहते हैं तब भी वह लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएंगे तो उनको अकाउंट नंबर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग पेमेंट किसी भी तरह से कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, चाहे गूगल पे से करिए चाहे पेटीएम से करिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर पेमेंट करके बाद पेमेंट करने के बाद जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे ये मटेरियल आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीटेट 2020 का भी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल उपलब्ध है, चाहे प्राइमरी सीटेट हो या फिर जूनियर सीटेट हो, सबका मटेरियल उपलब्ध है, आप लोग ले सकते हैं विज्ञान वर्ग और कला वर्ग दोनों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों को।